गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज योर हिंदी क्लास नाउ टेक आउट योर हिंदी ग्रामर बुक्स एंड ओपन द चैप्टर नंबर थ्री वर्ण संयोग ओके यस यस्टरडे हम निकल के आ पढ़ा था बच्चों कि कुछ व्यंजन जिनमें संयुक्त व्यंजन में पहले आने वाले व्यंजन में स्वर का लोप हो जाता है इसलिए उसे क्या लिखते हैं आधा लिखते हैं और कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं कौन कौन से शात्रा गया श्राद्या ये कैसे व्यंजन हैं ये संयुक्त अक्षर हैं और जो पाई वाले व्यंजन होते हैं पाई वाले व्यंजनों का क्या होता है जब पाई वाले व्यंजनों का संयोग करना होता है तो उनकी क्या कर दी जाती है उनकी पाई हटा देते हैं और पाई वाले व्यंजन जो पाई वाले व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं खा गा घा च चा झ व था धा न पा बा, भा मा य व श सा ये कैसे व्यंजन हैं ये पाई वाले व्यंजन हैं अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे नाउ लेट्स डिड स्टार्ट वर्णमाला के बिना वाई पाई वाले व्यंजन और जिन वर्णों में पाई नहीं होती है वो कौन कौन से व्यंजन हैं व्यना पाई वाले व्यंजनों को या तो सीधे मिला दिया जाता है या उनके नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है बिना पाई वाले जो व्यंजन हैं उन्हें या तो क्या कर देते हैं सीधे मिला देते हैं और या उनके नीचे जो ये हलंत चिन्ह है ये ऐसे लगा देते हैं जैसे देखिए टट्टू टापे हलंत है टा टापे बड़े ऊ की मात्रा और अगर हमने दूसरे तरीके से उसे कैसे लिखा जो मिलाया है टा 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 के नीचे एक दूसरा टा और उस पर बड़े ऊ की मात्रा ये हो गया हमने जो मिला दिया टट्टू ऐसे ही देखिए लट्टू ल टा टापे हलंत टा टापे बड़े ऊ की मात्रा और दूसरे तरीके से उसे कैसे लिखा ला टा टापे नीचे टा दूसरा मिला दिया और उसपे बड़े ऊ की मात्रा लट्टू फिर है कद्दू दा दापे हलन दा दापे बड़े ऊ की मात्रा कद्दू और हमने दूसरा दा कैसे लिखा ग का दा दापे नीचे दूसरा दा लगाया और उसपे बड़े ऊ की मात्रा लगाई ये हमने ऐसे दापे दूसरा दा मिला दिया ये हो गया कद्दू गद्दा गदा दा पे हलंत दा दा पे की मात्रा एक तो इस तरीके से लिख तक से हैं हम और दूसरा कैसे लिखेंगे गदा और दा पे नीचे दूसरा दा आ की मात्रा गद्दा क्या है ये ये जो है और बिन गण वर्णमाला के बिना पाई वाले व्यंजन कौन से हैं देखिए ढा छा टा ठा डा ढा दाराह ये कैसे व्यंजन हैं ये बिना पाई वाले व्यंजन है इनमें कोई भी पाई नहीं है यानी कि इनमें जो ये ऐसे इनका वो होता है वो पाई इन वर्णों में नहीं है समझ में आ गई है बिना जो पाई वाले ये वाले व्यंजन हैं या तो हम इन्हें सीधे मिला देते हैं और इनके नीचे हलंत चिन्ह लगा देते हैं जैसे ये लगा है और या उनके नीचे उन्हें सीधा जो मिलाया है वो हमने ये ऐसे एक के नीचे दूसरा मिला दिया तो ये बन गया ठीक है थर्ड है का और को जोड़ने से पहले उनकी दाई ओर की सूंड हटा देते हैं जैसे जब हमें का और को जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं उन्हें हम उनकी दाई ओर की जो इधर ये दस वो है ये सूंड है ये हटा देंगे जैसे चक्की चा आधा का हमने क्या करी देखिए इसमें जो इनकी इधर की ये है ये हमने हटा दी तो ये क्या बन गया आधा का बन गया चा आधा का 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 पे बड़ी की मात्रा चक्की इसी तरीके से देखिए हफ्ता हा आधा फा फाका भी हमने क्या करा इधर का ये ये हमने हटा दिया तो ये क्या बन गया आधा फा बन गया तापे ता आ की मात्रा हफ्ता फिर है चा आधा का का चक्कर फिर माँ आधा का खा खापे बड़ी ई की मात्रा मक्खी माँ माँ पे छोटे ऊ की मात्रा आधा का ता मुक्त यहाँ भी कापे इनकी जो दाई और की सूंड है वो हटा देंगे तो ये क्या हुआ है आधा का और इसे ता से हमने जोड़ दिया फिर है ढक्कन ढा आधा का का ना ढक्कन इस आधे का की भी सूंढ हटा के और इसको का से जोड़ दिया है ये हो गया ढक्कन नेक्स्ट लक्कड़ ला आधा का काड़ा का की सूड हटा के और उसे दूसरे का से जोड़ा ये हो गया लक्कड़ फिर है मुफ्त माँ माँ पे छोटे की मात्रा फा ता, फा फाकी सूड हटाई इधर से और इसे ता से जोड़ा क्या हुआ ये मुफ्त हफ्ता मुजफ्फ़रनगर यहाँ भी देखिए फ़ाकी हमने क्या कर दी इसकी दाई ओर की सूँड हटाई और इसे फांसे जोड़ दिया क्या हुआ ये मुजफ्फरनगर गफ्फार क्या है ये गफ्फार समझ में आ रही है हलचिन हलचिन क्या है हलचिन या हलंत को वर्णमाला से अलग से नहीं दिखाया जाता क्योंकि इसका प्रयोग केवल व्यंजन को व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किया जाता है हल चिन्ह या हलंत जो है वो कौन सा कैसे चिन्ह जो लगता है जो ये शब्दों में देखिए नीचे जो लगा है ये कैसा चिन्ह है ये हलंत चिन्ह है तो इसको वर्णमाला में अलग से नहीं दिखाया जाता क्योंकि इसका प्रयोग केवल व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किया जाता है व्यंजन में इसका प्रयोग कैसे क्यों किया जाता है कि जिससे हम व्यंजन को स्वर रहित दिखाएं कि हम उसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है जैसे का युक्त वर्ण कौन से देखिए अब ये क्या है इनमें हमने हलंत का प्रयोग नहीं किया है इसलिए ये युक्त वर्ण है इसमें स्वर का प्रयोग हो रहा है का खा गा, गा, रा चा छ झा ठा डाढ़ा ता था दा ये कैसे वर्ण हैं ये स्वर युक्त वर्ण है इसलिए इसमें हमने हलंत चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है Osionfish. अब अगर हमने इन वर्णों में ये स्वर रहित वर्ण है इनमें हमने क्या कर दिया इनमें हमने हलंत का प्रयोग कर लिया हलंत का चिन्ह लगा दिया देखिए जैसे का के नीचे हलंत रहित लगा है तो ये क्या है ये स्वर रहित वर्ण है का का के नीचे हलंत खा खा के नीचे हलंत है गा गा के नीचे भी हलंत है घा के नीचे भी हलंत है रा के नीचे भी हलंत है चा के नीचे इसमें छा हलंत जा, जाके नीचे हलंत, जा जाके नीचे हलंत, वा, वा के नीचे हलंत झा झा के नीचे हलंत वाँ वाँ के नीचे हलंत टा टा के नीचे भी हलंत है ठा के नीचे भी हड़ंत है डा के नीचे भी ढाड़ा ता था दा तो ये कैसे वर्ण हैं इनके नीचे जब हमने हलंत लगा दिया तो ये स्वर रहित वर्ण हो गए और जब इनके नीचे हमने चिन्ह का नहीं प्रयोग किया तो ये कैसे वर्ण हो गए ये स्वरयुक्त वर्ण हो गए समझ में आ रही है ना वर्तनी प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों से मिलकर बनता है हर जो शब्द बनता है वो कुछ वर्णों से ही मिलता है ना तो शब्द रचना हेतु प्रयुक्त इन वर्णों को ही शब्द की वर्तनी कहते हैं और शब्द रचना हेतु जो प्रयुक्त इन वर्णों का जिन वर्णों का प्रयोग शब्द की रचना के हेतु किया जाता है वो शब्द की क्या कहलाती है वर्तनी कहलाती है यानी कि वो शब्दों की वर्तनी स्पेलिंग कहलाती है जैसे कि अगर आपने कुछ भी है शब्द तो हमने वो क्या होगा जिन शब्दों का जो वर्ण उस शब्द में प्रयुक्त हुए हैं तो वो शब्दों की रचना के हेतु वो वर्ण शब्दों की क्या कहलाएगी वर्तनी कहलाएगी वो उसकी स्पेलिंग कहलाएगी संयुक्त व्यंजन समान और असमान दोनों प्रकार के व्यंजनों के मेल से बनते हैं हमेशा याद रखिएगा जो संयुक्त व्यंजन बनते हैं वो समान और असमान दोनों प्रकार के व्यंजनों के मेल से बनते हैं ठीक है आज आपको सबको समझ में आया आज हमने कौन से व्यंजन पढ़े एक तो वर्ल्ड वाला के बिना पाई वाले व्यंजन पढ़े जिनमें पाई नहीं होती जैसे टा ठा ढा दा ये कैसे व्यंजन हैं ये वर्णमाला के बिना पाई वाले व्यंजन हैं और का और फा को जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं उनकी दाई ओर की सूंड को हटा देते हैं और उनके नीचे क्या करते हैं उसकी सूंड को हटा के उसे उनसे जोड़ देते हैं ऐसी हल चिन्ह को जो हलंत चिन्ह है उसका प्रयोग केवल व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किया जाता है अगर व्यंजन में हमने हलंत चिन्ह नहीं लगाया तो वो स्वर युक्त वर्ण होंगे और अगर उनमें हमने हलंत चिन्ह लगा दिया है तो वो कैसे वर्ण बन जाएंगे वो स्वर रहित वर्ण बन जाएंगे और प्रत्येक शब्द किससे मिलकर बनता है कुछ वर्णों से मिलकर बनता है तो जो शब्द रचना के हे हेतु जिन इन वर्णों को ही जो वर्ण प्रयोग किए जाते हैं उन्हें शब्द की क्या कहते हैं वर्तनी कहते हैं ओके प्लीज रेड दिस चैप्टर एट योर होम थैंक यू एंड हैव नाइस डे